आज फिर एक नए वीडियो के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। थर्ड ईयर हिंदी साहित्य सेकंड पेपर, और उसमें हमारा एक उपन्यास है आकाश की छत, एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास जिसके आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आज इस उपन्यास के जो पात्र विधान है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले सरसरी नज़र हम डाल देते हैं इस उपन्यास पर। ये उपन्यास एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, इसमें चिंतन मनन की बात कही गई है। उसमें यश जो कथा का नायक है वो बड़ा चिंतनशील है, अपने आप को असहाय महसूस करता है, अपने आप को बड़ा पीड़ित महसूस करता है, अभावों में जूझा हुआ एक पात्र बनकर हमारे सामने आता है। इस मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के पीछे रामदर्श मिश्र जो उपन्यासकार हैं, इनके पीछे क्या तर्क है इस उपन्यास की कई पात्रों के माध्यम से वो स्पष्ट कर रहे हैं। तो मित्रों, इस उपन्यास में अगर बात की जाए, एक छोटा सा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि इस उपन्यास का मुख्य किरदार कौन है, पात्र कौन है, तो वो है कथा का नायक यश। जी हाँ, इस पूरे उपन्यास का मुख्य पात्र अगर कोई है तो वो है यश, जिसके इर्द गिर्द एक पूरे उपन्यास की कथा घूमती है। इसके अतिरिक्त बद्री भैया, राम भैया, रूपमती, राधा, पद्मिनी के रूप में अन्य सहपात्र भी हमारे सामने आते हैं। लेकिन मित्रों, अधिकतर परीक्षा में प्रश्न किया जाता है और जो 10 या 15 नंबर का यानी भाग ब में भी हो सकता है और सब भाग में भी हो सकता है और पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरी एक यूनिट है तो एक प्रश्न तो संभावित है। या तो ये पूछा जाए कि यश उपन्यास के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, कि आकाश की छत रामदर्श मिश्र के उपन्यास के मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहाँ पर परीक्षक हमसे ये जानना चाहता है तो कि इस उपन्यास का मुख्य पात्र है कौन, वो हमें तय करना, और फिर उसका चरित्र चित्रण करना, उसके स्वभाव की विशेषता बतानी। इसके बाद स्वभाव की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो स्वभाव की विशेषताएं अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। चरित्र चित्रण में दो चीज़ें मायने रखती हैं, गुण और अवगुण दोनों, ठीक है। इसके बाद में परीक्षा में या तो यश के बारे में पूछा जाएगा, अगर यश पर प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो फिर पूछा जा सकता है कि रूपमती का चरित्र चित्रण कीजिए, जो उपन्यास में मुख्य भूमिका के रूप में हमारे सामने नजर आती है, जो वर्ग संघर्ष, जो जाति संघर्ष, असमानताओं के खिलाफ लड़ती है, खुद पीड़ा भोगती है, खुद संघर्षशील है, कई अमानवीय अत्याचारों का सामना करती है, लोगों के ताने सहन करती है, बड़ी दुखियारी स्त्री, असहाय स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है, तो उसके स्वभाव की विशेषताओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक मुख्य किरदार है रूपमती। इसके अलावा यश की जो प्रेमिका है राधा पद्मिनी की बात की गई है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यश है इस उपन्यास में और रूपमती है। तो देखते हैं इन उपन्यास के इन पात्रों में क्या खास खास बातें हैं, क्या विशेषता हैं, क्या स्वभाव की विशेषता हैं, जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा इस उपन्यास के मुख्य किरदार की, जिसका नाम है यश, जो एक खुली छत पर सोया हुआ है। सुबह उठकर देखता है चारों तरफ पानी बाढ़ से गिर गया है, सिर्फ एकमात्र जो छत है उसकी, जिस पर वो टिका हुआ है, वही बाढ़ के पानी से बची हुई है। अब ये उसके सामने देखने वाली बात यह है कि उपन्यास का शीर्षक आप देखिए, ध्यान दें, आकाश की छत। छत किसकी है, मकान की नहीं है, आकाश की छत। अब उसका सहारा सिर्फ आकाश है। अब चाहे विपत्ति में और विपत्ति आ जाए, यानी बाढ़ तो है ही, और अगर बारिश कहीं आ गई तो और विपत्ति में विपत्ति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देखिए उसके पास में सारे साधन सामग्री कुछ नहीं है, वो सब कुछ खो चुका है, वो अपने आप को संकट से गिरा हुआ पाता है, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ देता है, आशावादी है। यहाँ पर एक गुण उसका प्रकट होता है, वो आशावादी है, वो संघर्ष का सामना करता है, वो घबराता नहीं है। तो कई तरह की यहाँ पर विशेषताएं यश की हमारे सामने नजर आती हैं। तो यश उस कथा के नायक की क्या स्वभावगत विशेषता है, तो यहाँ पर पहली विशेषता के रूप में हम बात करेंगे कि यश संघर्ष का सामना करता है, बाढ़ के पानी का सामना करता है, साधन सुविधा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो खो चुका है, उस विपरीत परिस्थिति का वो सामना करता है जो इस उपन्यास में प्रकट किया गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यश संघर्षशील व्यक्ति। दूसरा जो प्रमुख गुण है यश का है
वो है भाषा। संकट की घड़ी में यश हार नहीं मानना। जी हाँ, इस कहानी का ये संदेश मान लीजिए आप, इस उपन्यास का संदेश मान लीजिए कि संघर्ष का सामना करना और हार नहीं मानना, आशावादी होना कि नहीं कुछ अच्छा होगा, वो इस समस्या से छुटकारा पा लेगा, इस समस्या का निराकरण कर लेना, तो कहीं ना कहीं उस अंधकार में प्रकाश की ज्योत उसके अंतर मन में जल रही थी और पूरी सकारात्मकता के साथ में वो सोचता है कि वो इस समस्या से बच निकलेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यश आशावादी है और आशावादिता का गुण इसके स्वभाव की दूसरी विशेषता है। और तीसरा, संवेदनशील। यश पर संवेदनाओं का प्रभाव तीव्र रूप से होता है, वो संवेदनशील है। किसी के द्वारा कही गई कटु बातें, किसी के द्वारा दी गई सांत्वना की बातें, कोई उसके प्रति अच्छे व्यवहार से पेश आए तो भी उस पर बहुत ही अच्छा, बहुत ही फर्क पड़ता है। कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता है तो भी उस पर फर्क पड़ता है। तो एक संवेदनशीलता उसकी रूह में बसी हुई है, चाहे वो बद्री भैया के माध्यम से हो, चाहे वो राम भैया के माध्यम से हो, चाहे वो रुक्मती के व्यवहार से हो, चाहे वो राधा के व्यवहार से हो, चाहे पद्मिनी के व्यवहार से हो। तो एक संवेदनशीलता का गुण, व्यवहार का उसके अंतर्मन पर प्रभाव यहाँ पर इस बिंदु के माध्यम से प्रकट होता है कि उसमें संवेदनशीलता का गुण है। अभी बात करते हैं चौथा, यश पर कई प्रकार के दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। सबसे पहला पहाड़ तो बाढ़ के पानी से गिरा हुआ है, जहां पर अपने आप को असहाय महसूस करता है और सोचता है कि मेरा कोई आसरा नहीं रहा, न आसरा है, और संकट में और संकट की बाढ़ आ गई। अपने आप को नितांत अकेला महसूस करता है, दुखी महसूस करता है, ऊपर से एक भय का व्यवहार उसके प्रति बड़ा अनुचित है, रुखा है, उपेक्षित है, तो अपने आप को बड़ा दुखी मानता है कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उसे ही कष्ट सहने पड़ रहे हैं, क्यों उसे ही दुख सहने पड़ रहे हैं। तो इस बिंदु के माध्यम से हम ये जरूर कह सकते हैं कि यश के स्वभाव की एक विशेषता है कि दुखी। अभी बात करते हैं हम चिंता। चिंतक, चिंतक यानी किसी बात पर मनन करना, चिंतन करना, मस्तिष्क में विचारों का मंथन जब उमड़ता है, तरह तरह की बातों का ज्वार उफनता है, तो उस आधार पर हम किसी व्यक्ति को चिंतक कह सकते हैं। और जैसा कि मित्रों, ये उपन्यास हमारा मनोविश्लेषण वाला उपन्यास है, अर्थात इसमें मन की उधड़ उधड़ और एक मन की कई प्रकार की बातों का ज्वार जब एक साथ इकट्ठा हो जाता है, इंसान सोचता रहता है, तो ऐसे उपन्यास को हम मनोविश्लेषणवादी उपन्यास कह सकते हैं। यश कुछ इसी तरह का किरदार हमारे इस उपन्यास में है, जिसमें अलग अलग भावनाओं का, अलग अलग विचारों का ज्वार उसके मस्तिष्क में, उसके मन में उमड़ता रहता है। वो सोचता रहता है कि ये सारी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्यों इस तरह की परिस्थितियाँ उसके साथ ही घटित हो रही हैं। तो तरह तरह की बातें चिंतन के रूप में इस उपन्यास में यश के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। तो वो चिंतक है, चिंतक इसलिए भी है क्योंकि वो असहाय है, क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं, वो अकेला है। तो अकेला व्यक्ति चिंता दूर होता है, मनन करता रहता है, सोचता रहता है परिणाम के लिए। तो ये यश की प्रमुख विशेषता के रूप में यहाँ पर सामने आता है। तो ये उपन्यास के मुख्य पात्र, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी, सारी कथा उपन्यास की घूमती रहती है, उस यश का चरित्र चित्रण था। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं इस उपन्यास में और प्रमुख पात्र है रूपमती। जी, अब रूपमती का जो किरदार है, अब रूपमती किस रूप में हमारे सामने आती है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो रूपमती सबसे पहले तो एक दलित स्त्री के रूप में हमारे सामने, दलित स्त्री समाज के
पिछड़े वर्ग से उठी हुई एक नारी, समाज के ऐसे जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हुई नारी जो उपेक्षा की शिकार है, जिसको समाज ने धुतकार दिया है, जो समाज जिसको दरकिनार करता है, ऐसी नारी के रूप में रूपमती हमारे सामने। लेकिन इस उपन्यास में रूपमती दलित जरूर है, एक पिछड़े वर्ग से जरूर है जो अत्याचारों का सामना करती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। तो इस उपन्यास की प्रमुख पात्र रूपमती का यहाँ पर चित्रांकन किया गया है, वो दलित स्त्री है, और दूसरा प्रमुख की संघर्ष, संघर्षी व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर रूपमती हमारे सामने है। कितने ही प्रकार के अत्याचार उस पर हो, लोगों की उपेक्षाओं का शिकार हुई हो, लोगों के कानों का शिकार हुई हो, लोगों की बातों का शिकार हुई हो, कथा के नायक यश के समान वो भी संघर्षों का सामना करती है। और मैं कहूँगा कि एक कदम यश से आगे संघर्षों का सामना करती है, हार स्वीकार नहीं करती, हार मानती नहीं, संघर्षशील है, संघर्षों का सामना करती हुई इस उपन्यास में प्रमुख रूप से यश के बाद अपना किरदार सिद्ध करती है संघर्ष। तीसरे अगर विशेषता की मैं बात करूं तो चेतन से चेतनशील वर्तमान में रहती, खोई हुई नहीं रहती कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है उसके बारे में सोचती रही, नहीं, वो चेतनाशील है, उसमें चेतनता का गुण है, वो हमेशा वर्तमान को देखती है, आने वाली समस्याओं को देखती है, उनका डट करके सामना करती है। तो चेतना का प्रवाह रूपमती में हमें दिखलाई पड़ता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चेतना या चेतनशील रूपमती की एक स्वभाव और विशेषता है। इसके बाद अगली जो विशेषता आती है वो है बुद्धिमान। रूपमती दलित है, कष्टों का सामना करती है, अभावों का सामना करती है, लेकिन उसमें तीक्ष्ण बुद्धि है, वो सोच कर समझ कर किसी समस्या पर अपना निर्णय लेती है और उस समस्या से जूझती है और उसको पार करती है। तो एक बहुत ही अच्छा गुण है कि बुद्धिमानी है, उसमें बुद्धि का प्रवाह है, वो सुलझे हुई स्त्री के रूप में सामने आती है, जो तमाम तरह की समस्याओं का सामना भी करती है, उनसे लड़ती है, जूझती है, और अंत में तो गद्दार जीत हासिल करती है। और इसके बाद समर्पण भाव, जिसकी हम बात करें, समर्पण भाव रूपमती की एक अन्य स्वभावगत विशेषता है। इस उपन्यास के माध्यम से कई ऐसी जगहों पर, कई ऐसी घटनाओं में, कई ऐसे दृश्य परिदृश्य में बताया गया है कि वो समर्पित स्त्री है। इसके बाद अगर हम बात करें उपेक्षित, उपेक्षित नारी है, उपेक्षा का शिकार है, समाज के एक वर्ग के द्वारा उपेक्षा का शिकार है, उसे समाज से दरकिनार कर दिया गया है, उसकी उपेक्षा की जा रही है कि वो एक दलित है, छोटे वर्ग की है, उसे बार बार ये जताया जा रहा है कि वो उपेक्षित स्त्री है। लेकिन मित्रों, उपेक्षित होते हुए, दलित होते हुए वो उपेक्षाओं पर ध्यान ही नहीं देती, उनका सामना करती है, समस्याओं से जूझती है। क्यों? तो उसका जवाब है क्योंकि वो नए युग की नारी है, वो अपने कर्तव्यों पर ध्यान देती है, वो अपने अधिकारों पर ध्यान देती है, उन समस्याओं का सामना करती है, जूझती है और विजय प्राप्त करती है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस उपन्यास के दो प्रमुख किरदारों की स्वभावगत विशेषताओं के बारे में बताया। एक तो कथा का नायक यश, जिसमें कई प्रकार के गुण हमें दिखाई पड़ते हैं, वो संघर्षी है, वो आशावादी है, वो संवेदनशील है, वो दुखी है और एक चिंतक। उसी तरह उपन्यास के अन्य प्रमुख स्त्री पात्र रूपमती का किरदार हमें बताया गया है कि जो दलित स्त्री है लेकिन फिर भी संघर्षी है, चेतनाशील है, बुद्धिमानी है, उसमें समर्पण भाव है,
वो उपेक्षा की शिकार है, लेकिन वो नए युग की एक नारी के रूप में भी हमारे सामने आती है। तो मित्रों, ये दो प्रमुख पात्र थे इस उपन्यास के। आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियो काफी लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।